हाँ, ये होते रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जो समझौता हुआ है वो नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे के बीच ही हुआ है। ये समझौता भारत सरकार और जापान की सरकार के बीच हुआ है, ठीक है? तो जब सरकार शामिल है तो सरकार में व्यक्ति कोई भी हो, वो संबंध चलते रहते हैं। अन्यथा स्थिति ऐसी निर्मित हो जाए कि भारत के लिए जापान का महत्व या जापान के लिए भारत का महत्व घट जाए, उस स्थिति में भी ये संबंध, ये वार्ताओं का दौर चलता रहेगा, बट इन वार्ताओं के दौर में प्रगति नहीं हो पाएगी। बातचीत तो तब भी होगी, ठीक है, बट ठीक है, मिल रहे हैं, एक औपचारिक रूप से प्रतिवर्ष मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, कुछ समझौता या परिणाम नहीं निकल रहा। ये दर्शाएगा कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में ज्यादा उत्साही नहीं है, और जब दोनों देश संबंधों को ज्यादा बेहतर बनाने में उत्साही होंगे तो बातचीत भी होगी और उसके परिणाम भी बहुत ज्यादा सक्रिय आएंगे। बट सरकार बदलने से बातचीत बंद नहीं होगी, ठीक है? लिखना इसी में, कंटिन्यूएशन में, रणनीतिक भागीदारी को जापान द्वारा, रणनीतिक भागीदारी को जापान द्वारा मान्यता प्रदान करते हुए, जापान द्वारा मान्यता प्रदान करते हुए 2016 में, 2016 में भारत को रणनीतिक भागीदार का दर्जा प्रदान किया गया, रणनीतिक भागीदार का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत और जापान दोनों ही, भारत और जापान दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत और जापान दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं एवं दोनों ही देश G4 के सदस्य है, दोनों ही देश G4 के सदस्य है। G4 में कौन कौन से देश है? जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान, ठीक है? तो ये एक और सहयोगात्मक क्षेत्र हो गया। अगला पॉइंट, भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुद्दों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुद्दों को लेकर एक समान विचार सुनिश्चित करते हुए, सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं, आपसी सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, कॉमा,
विश्व व्यापार, विश्व व्यापार इत्यादि। ठीक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से बेटा जापान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जैसे जैसे समुद्री का जल स्तर बढ़ेगा, जापान आधा डूबेगा, पूरा तो नहीं, आधा डूब जाएगा बेचारा। ठीक है, तो जापान चिंतित है, ठीक है, और भारत भी चिंतित है ये जलवायु परिवर्तन को लेकर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं। डन, अगला पॉइंट। भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य सिस्टर सिटी, नहीं नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिसके अंतर्गत वाराणसी शहर को, वाराणसी शहर को क्योटो की तर्ज पर, क्योटो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तर्ज पर, हाँ, क्योटो एक शहर है बेटा जापान में। ठीक है, तो जिस तरीके से क्योटो शहर विकसित है, उसी तरीके से वाराणसी को भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्टर सिटी। समय निर्धारित नहीं किया हमारे मोदी जी ने, अभी तो मत जाना बेटा, वाराणसी में बाढ़ आ रही है, 80 घाट आधा डूब गया है। ठीक है, तो अभी मत जा, ठीक है, बाद में देखें। ठीक है, ये समझौता साइन किया गया था बेटा 2014 में, 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, नहीं बहुत सारी चीजें हो चुकी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों देशों के मध्य संबंध बेहतर। Then, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, एक लास्ट पॉइंट लिख लो, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कॉमा शिक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देश, दोनों देश मिलकर अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं, अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। देन ये हो गए भारत और जापान के बीच संबंध। ठीक है, अब इकलौता वो क्षेत्र जहां पे भारत और जापान लड़ सकते हैं वो है G4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें सुधार की बात की जा रही है। ठीक है, सिर्फ ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और जापान के बीच लड़ाई हो सकती है, अन्यथा भारत और जापान के बीच किसी तरह की कोई लड़ाई होने की संभावना नहीं है, और दोनों ही देशों के मध्य बेहतर संबंध निरंतर बने रहेंगे। ठीक है, तो दुआ करो कि ये लड़ाई ना हो। इसमें जो बात है सर, शायद
स्थाई किसी एक को नहीं, प्रतिस्पर्धा होगी सिर्फ इन दोनों के बीच, भारत और जापान के बीच, बाकी दोनों तो कंफर्म है। हाँ ठीक है, ये चीज क्यों नहीं दे सकते बेटा, दी जा सकती है। ठीक है, पहले से पांच है, पांच और बना देंगे, क्या ही फर्क पड़ना है ना, दस हो जाएंगे। तो हाँ क्वेश्चन बोलो। फिर भी जापान और अमेरिका का जो रिश्ता या फिर संबंध है वो अच्छे ही दिखते हैं हम लोग। इसका जवाब तुम्हें खुद से मिल जाना चाहिए था बेटा, जब 1945 से लेके 61 तक अमेरिका पूरी तरीके से जापान की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के अनुरूप बना लेगा। तो 1961 के बाद जब जापान स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाएगा तो वो भी किसके अनुरूप बनाएगा, अधीन नहीं उसी विचारधारा के अनुरूप बनाएगा ना। बहुत छोटी चीज है नहीं, ठीक है, बट फिर भी उसके बाद जो विश्व राजनीतिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, साथ ही साथ 1961 तक आते आते जो विश्व की विचारधारा थी वहां जापान को साम्यवाद से ज्यादा खतरा था पूंजीवाद से, तो उस स्थिति में वो जो संबंध निर्मित हुए वो आवश्यकताओं के संबंध निर्मित हो गए। उन आवश्यकताओं के संबंधों के बाद अमेरिका द्वारा एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में कार्य करना जापान के लिए, वो कहीं ना कहीं उस संबंधों को लेकर जो विरोध होना चाहिए या जो नफरत होनी चाहिए उन नफरत को समाप्त करके रखे हुए। ऐसा नहीं है कि जापान अमेरिका के लिए पूरी तरीके से अमेरिका पर विश्वास करता है, बट फिर भी क्योंकि दोनों देशों की पूंजीवादी विचारधारा है तो ऐसी स्थिति में जापान अमेरिका का समर्थन करता हुआ नजर आता है, ये चीज। ठीक है, डन, भारत जापान संबंध समाप्त। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन और कोई नहीं? क्वाड बोलो प्रेम, तुम कुछ कह रहे थे, क्वाड क्वाड को भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच क्वाड को लेकर, या फिर ये कह लो कि भारत और जापान के बीच किसी तरह का कोई तनाव मौजूद है नहीं। जो एकमात्र तनाव है वो भी भारत और जापान के मध्य ना होकर एक क्षेत्रीय तनाव के रूप में निर्मित हो रहा है, जिसके बारे में मैं अभी आज ही बात करूंगा, क्वाड तुम्हें आज ही समझा दूंगा। ठीक है, हाँ तुम लोगों को भी। ठीक है, अब देखो भारत ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, कहा था ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, बहुत ही अच्छे संबंध है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया लिखो, क्या हुआ, क्यों बातें हो रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत धीरे लिखवा रहा हूं बेटा तुम लोगों को। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध वर्ष 1991 तक पूरी तरीके से शीत युद्धकालीन परिपेक्ष में निर्धारित रहे, जहां भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था,
जहां भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी पूंजीवादी गुट में शामिल था, अमेरिकी पूंजीवादी गुट में शामिल था। परिणाम यह हुआ कि परिणाम यह हुआ कि शामिल था परिणाम यह हुआ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध निर्मित नहीं हो सके, निर्मित नहीं हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंधों की शुरुआत हुई, दोनों देशों के मध्य संबंधों की शुरुआत हुई, किंतु किंतु पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद किंतु पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद यह संबंध पुनः समाप्त हो गए। पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद यह संबंध पुनः समाप्त हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। इन संबंधों में सामान्यता सामान्यता आने में सामान्यता आने में 10 वर्षों का समय लगा, 10 वर्षों का समय लगा एवं वर्ष 2009 के पश्चात एवं वर्ष 2009 के पश्चात भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से निर्मित हुए। ठीक है, सो 1991 तक कोई रिलेशंस नहीं। ठीक है, 1991 के बाद रिलेशंस बनना शुरू हुए, पोखरण के बाद वो दोबारा समाप्त कर दिए गए, फिर इसे नॉर्मल होने में फिर 10 साल का समय लग गया। ठीक है, और जब नॉर्मल हो गए इसके बाद 10 वर्ष और लगेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को बेहतर होने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। 2009 के पश्चात 2009 के पश्चात भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंध 2009 के पश्चात भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंध आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लगातार आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लगातार प्रगतिशील रहे एवं 2019 में एवं 2019 में दोनों देशों के मध्य रणनीतिक भागीदारी
निर्मित हुई, रणनीतिक भागीदारी निर्मित हुई। ठीक है, वर्तमान परिपेक्ष में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान परिपेक्ष में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ, द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ रणनीतिक संबंधों के, द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ रणनीतिक संबंधों के रूप में विस्तारित हो, रणनीतिक संबंधों के रूप में विस्तारित हो रहे हैं, रणनीतिक संबंधों के रूप में विस्तारित हो रहे हैं। उदाहरण स्वरूप भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 रणनीतिक भागीदारी वार्ताओं का वार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाना। ठीक है, अगला पॉइंट, दोनों देशों के मध्य 2014 में, दोनों देशों के मध्य 2014 में नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भारत को परमाणु ईंधन के साथ साथ परमाणु तकनीक भी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देशों के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाया जा रहा है विशेष रूप से विभिन्न जलवायु अवधारणाओं को समझने के लिए, विभिन्न जलवायु अवधारणाओं को समझने के लिए। ये दो शब्द सुने ही होंगे तुम लोगों ने, ठीक है, हाँ ज्योग्राफी में ना, शाबाश। अभी पूछू क्या है ये, अच्छा ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा बट अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, अच्छा ये पढ़े ही नहीं है, ये तो और बच गए तुम।
अलनिनो लानिना ऐसे भौगोलिक अवधारणाएं हैं बेटा जिसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और भारत पर दोनों पर पड़ता है। ठीक है, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में होता है अलनिनो और लानिना के प्रभाव के उसका विपरीत भारत में होता है। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आएगी तो भारत में सूखा पड़ेगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ रहा है तो भारत में बाढ़ आएगी, और दोनों की वजह यही दो। ठीक है, और ये दोनों ही जो जलवायु अवधारणाएं होती है ये एक नियमित अंतराल पर आती है ना, और जिसका पूर्वानुमान लगाना सटीकता से बेहद मुश्किल कार्य है, और क्योंकि दोनों देश ही इन दोनों अवधारणाओं से प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों ही देश मिलकर इस क्षेत्र में अपने अनुसंधान को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज आवश्यकताओं की, ये राजनीति कह लो या आवश्यकताओं का अनुसंधान हो गया, क्योंकि दोनों को जरूरत है। इस साल भारत में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, ठीक है, तो कोई ना कोई अवधारणा जिम्मेदार होगी इन दोनों में से। ठीक है, डन। इस बार एक क्वेश्चन भी आया था ना, नहीं डेमोग्राफिक विंटर था वो, ह्यूमन ज्योग्राफी था। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और राजनीतिक रूप से भी। ठीक है, किंतु इन संबंधों के होने के बावजूद भी कल से अगर बात करनी होगी, जो भी हो, ठीक है, कल से अगर बात करनी हो तो क्लास से बाहर, या तो खुद से चल जाना या फिर मैं भगा दूंगा। ठीक है, सो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक तरफ जहां संबंध बेहतर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी मौजूद है, और उस चुनौतियों में सबसे प्रमुख जो चुनौती है वो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाले भारतीयों पर हमले। प्रतिवर्ष लगभग 30,000 से 40,000 भारतीय छात्र छात्राएं ऑस्ट्रेलिया में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, और भारतीय प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी संख्या में मौजूद है, किंतु इन भारतीय प्रवासियों के प्रति ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का जो नजरिया है, ठीक है, वो बहुत ही विपरीत है, और इन पर नस्लीय हमले लगातार हो रहे हैं, तो भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया में, और इसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकार मिलकर कार्य तो कर रही है, किंतु ये जो स्थिति है, ये जो नस्लीय हमले हो रहे हैं, ये लगातार भारतीयों पर हो रहे हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को चुनौतीपूर्ण संबंध के रूप में निर्मित करती है। ठीक है, सो एकमात्र चुनौती जो है वो यही है, द्विपक्षीय संबंधों में। डन, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया संबंधों में इससे ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। अब अगर बात करें क्वाड की, है ना, तो क्वाड को समझने से पहले मैंने कहा था तुम्हें एक जियोपॉलिटिकल की क्लास तुम्हारी लूंगा, ठीक है, कि जियोपॉलिटिक्स एग्जैक्टली है क्या। एटलस तो तुम्हारे पास है ही, ओपन कर लो वर्ल्ड मैप,